हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में स्थित विश्वविख्यात शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी के दरबार में मंगलवार सुबह 10 बजे के करीब स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने धर्मपत्नी सहित मां के दरबार में हाजिरी भरी। इस मौके पर चिंतपूर्णी मंदिर के पुजारी रोहित कालिया ने विधिवत रूप से वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर पूजा अर्चना करवाई और माँ के दरबार में हाजिरी लगवाई। माता की पावन पिंडी के दर्शन करने के पश्चात मंदिर में स्थित पावन वट वृक्ष को मोली धागा बांधा और हवन कुंड में आहुतियां डाली। मंदिर अधिकारी बलवंत सिंह ने माता की चुनरी और फोटो देकर मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल को सम्मानित किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, मां के दरबार में माथा टेकने का मन था, माता ने पुकार सुनी और आज मां के दरबार में हाजिरी भरी और आशीर्वाद लिया। पत्रकारों द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम का भाजपा द्वारा स्वागत ना करने के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों को देने की घोषणा की थी। प्रदेश के कर्मचारियों का प्रदेश के विकास में बहुमूल्य योगदान है, इसीलिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पहली कैबिनेट में कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन का स्कीम का तोहफा दिया है और भाजपा के लोगों को भी इसका स्वागत करना चाहिए। सर, सबसे पहले कि आज आप माँ चिंतपूर्णी के दरबार में पहुँचे हैं, माता रानी के दर्शन किए, क्या कहेंगे इस बारे में? हमारी सभी का सौभाग्य है कि हम देवभूमि हिमाचल में पैदा हुए हैं। यहाँ पे देवी देवताओं के आशीर्वाद का हमको बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त है। माँ चिंतपूर्णी दर्शन के लिए बहुत बार आना हुआ, इस बार भी आए हैं और माँ के दर्शन से सचमुच में हम बहुत आशीर्वादित हैं और सभी लोग यहाँ पे आते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि इस प्रकार से हमारी देवभूमि में लोग देवी देवताओं का आशीर्वाद देते हैं। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए चिंतपूर्णी से ब्यूरो रिपोर्ट।